सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस न कर पाएं। नमस्कार, भंडार टीवी के इस फ्रेश न्यू एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप अपने बालों को लंबे कैसे बना सकते हैं और रेशम की तरह आप किस प्रकार से बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उसके बाजू में छोटा सा बेल का आइकन होगा, आप उसे जरूर दबाना, उससे होगा हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं। आपको आखिरी में पता चलने वाला है रेशम की तरह आप अपने बालों को कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा। तो दोस्तों, इस नुस्खे में हमें जो सबसे पहली चीज इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ नारियल का तेल यूज करना है और किस प्रकार से आपको यूज करना है आइए जानते हैं। इसके लिए आपको कम से कम नारियल का तेल लगभग इतना सा आपको लेना होगा। लगभग इतना सा नारियल का तेल लेकर के आपको यहाँ जो दूसरी चीज इस्तेमाल करनी है दोस्तों वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें एलोवेरा जेल यूज करना होगा। आपको कितना एलोवेरा जेल लेना है आइए देखिए। लगभग आपको यहाँ आधा चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल डाल करके इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाना होगा दोस्तों। ये जो है हमारे बाल झड़ने की समस्या साथ ही साथ बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस प्रकार से दोनों को मिलाकर के रोजाना जब भी आप नहाएं तो उसके बाद इस प्रकार से मिलाकर इन्हें अपने बालों में आप लगाइएगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जो है आपके बालों को घना, लंबा और साथ ही साथ रेशम की तरह बना देगा। दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको ये बोला है कि आप किस प्रकार से अपने बालों को लंबे और रेशम की तरह बना सकते हैं, तो ये जो मैं रेमेडी बताने वाला हूं ये आपके बालों को लंबे और रेशम की तरह कर देगा। तो दोस्तों आइए ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको शिकाकाई और सूखा आंवला 25-25 ग्राम लेना है। दोनों को थोड़ा थोड़ा आप जो है कूट कर इसे दरदरा आप बना लें और उसके बाद रात को इसको क्या करें कि आप 500 ग्राम पानी में आप जो है इसे डाल दें और सुबह इसको मसल कर कपड़े से आप छान लें और सिर पर आप क्या करें कि इसे अच्छी तरीके से मले। 10-20 मिनट बाद आप नहा लें और इस प्रकार शिकाकाई और आंवले के पानी से सिर को फिर आप धो लें और बाल सूखने पर नारियल का तेल लगा लें या फिर ये जो मैंने रेमेडी बताई आप इसे लगा लें। इससे दोस्तों आपके बाल लंबे, घने और रेशम की तरह हो जाएंगे और ये जो रेमेडी है दोस्तों इसका असर आपको कम से कम 2 या 3 हफ्ते में ही दिखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो जरूर वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और इस प्रकार के नए नुस्खे और टॉपिक के साथ। तब तक लिए नमस्कार।